सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और यूट्यूब के लिए अपनी वीडियो बनाते हो तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारी वीडियो में थोड़ी लटकम हो जाती है तो हमारी वीडियो देखने में काफ़ी बुरी लगती है, यानी कि उस पर काफ़ी कम व्यूज आते हैं क्योंकि लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपकी वीडियो में थोड़ी लाइट कम है और आपकी वीडियो देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, फिर भी आप उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो जिससे वो देखने में अच्छी लगे और लोग उसे देखना ज़्यादा पसंद करें। क्यों दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो लोग उसे ज़्यादातर देखते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी YouTube की वीडियो को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो, यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है उसे काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको एक ट्रिक अपनानी होगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। दोस्तों, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, ये मैंने जो ट्रिक अपनाई है उसके बाद ये क्वालिटी आ रही है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ कि बिना ट्रिक अपनाए मेरी वीडियो क्वालिटी कैसी होती है। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हो जी, दोस्तों जो मैंने ट्रिक अपनाई थी उसको हटाने के बाद, यानी दोस्तों जो मेरी रियल वीडियो है उसकी जो लाइट जी वाली है अभी जो आप देख रहे हो, इससे पहले आप देख रहे थे वो मैंने इसमें ट्रिक अपनाई थी उसके बाद इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये ट्रिक अपनी वीडियो में अपना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन में कान मास्टर को ओपन करना है, जिसमें दोस्तों आप अपनी वीडियो एडिट करते हो। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं ऐसे अपनी कोई वीडियो ले लेता हूँ एक आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपनी एक वीडियो डाली है आपको दिखाने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपनी वीडियो सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए कलर फिल्टर वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कोल्ड वाला ऑप्शन, जो कोल्ड का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर के दो ऑप्शन आते हैं, C01 और C02, आपको इनमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। मैं जाता दोस्तों अपनी वीडियो में C02 वाला यूज करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसकी क्वालिटी अलग हो गई। अब तो अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक कट लगाता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसमें से मैं इस इफेक्ट को हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसकी ये क्वालिटी है जो मैंने जो फिल्टर अप्लाई किया उसके बाद और जो अब इससे पहले किया, तो देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका दोस्तों वीडियो के अंदर। ये देखिए, इसके कलर काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ चुकी है इस वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, आप इसी तरीके से अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों, जब भी आप अपनी वीडियो को एडिट करो कान मास्टर में आके, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी। सबसे पहले आपको फिल्टर अप्लाई करना है, उस फिल्टर को अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी वीडियो एक से ज़्यादा पार्ट में बढ़ जाएगी, फिर आपको हर पार्ट में उस फिल्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है दोस्तों कि जब भी आप अपनी वीडियो को कटिंग के लिए या फिर एडिट करने के लिए कान मास्टर का यूज़ करो, तो वीडियो सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यही काम करना है, सबसे पहले आपको अपनी वीडियो में वो फिल्टर अप्लाई कर देना है जिस फिल्टर का आप यूज़ करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा कटिंग करने के बाद किया तो आपको हर पार्ट में उस फिल्टर को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर गलती से कोई पार्ट मिस्टेक से रह गया तो आपकी वीडियो की क्वालिटी दो तरह की हो जाएगी, जिसमें एक में फ़िल्टर नज़र आएगा और एक में दोस्तों आपकी रियल वीडियो नज़र आएगी। तो आप इसी तरीके से दोस्तों अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अपनी वीडियो में ज़्यादातर यही फिल्टर अप्लाई करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारी वीडियो क्वालिटी कम अच्छी होती है तो उस पर काफ़ी कम व्यूज आते हैं। दोस्तों, आप इसी तरीके से अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।